गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं न्यू जीएसटी रिटर्न्स में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी RET1 का जो फॉर्मेट हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें इंटरेस्ट एंड लेट फी लायबिलिटी डिटेल्स का कॉलम दिया गया है। और साथ ही साथ मैंने ओपन कर लिया है जो पोर्टल पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं न्यू जीएसटी रिटर्न्स में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी RET1 का जो फॉर्मेट हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें इंटरेस्ट एंड लेट फी लायबिलिटी डिटेल्स का कॉलम दिया गया है। और साथ ही साथ मैंने ओपन कर लिया है जो पोर्टल पे जीएसटी RET1 का पोर्टल, जीएसटी RET1 का फॉर्म ट्रायल वर्जन के लिए लाइव किया गया है इस दोनों के अंदर। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे टेबल्स को कि इंटरेस्ट, अगर आपको जीएसटी रिटर्न भरने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको लेट फी और इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आप इसके लिए क्लियर टैक्स का फाइलिंग टूल यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला है इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और ये जो कंप्यूटेशन करेगा कौन करेगा, टू बी कंप्यूटेड बाय द सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग जीएसटी पोर्टल के अंदर जो RET1 का फॉर्म है उसमें क्या चीजें दी गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो पहला कॉलम है उसमें बात किया जाता है इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। तो इंटरेस्ट का अमाउंट और लेट फी का अमाउंट दोनों ही आपको देना पड़ेगा और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा। ये चीजें आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। दूसरा है लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। यहां पर भी आप देखेंगे तो टू बी कंप्यूटेड बाय द सिस्टम। अगर ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अंदर कॉलम नंबर 1 के अंदर ही चार प्रकार के इंटरेस्ट दे दिए गए हैं, लेकिन जो हमें ट्रायल बैलेंस अवेलेबल करवाया गया है, ट्रायल वर्जन अवेलेबल करवाया गया है, इसके अंदर सारी चीजों को ब्रेक करके तोड़ के दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो लेट रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट सिचुएशन और जो न्यू सिचुएशन बनने वाली है उसमें क्या फर्क रहेगा। सपोज आपने कोई सप्लाई डिक्लेयर करनी थी जो आपने करंट सिचुएशन में GSTR1 में नहीं करी, जनवरी 2020 की रिटर्न में। आपने उस सप्लाई को कब डिक्लेयर करा, सपोज फरवरी 20 में, सपोज मार्च 20 में, जो कि काफी लोग करते हैं। तो ये जो लेट डिक्लेरेशन ऑफ इनवॉइसेस होता है इसके ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था अभी तक। GSTR1 में हम लोग अगर लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस करते हैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने 3B के अंदर टैक्स जमा करना होता था, वहीं से इंटरेस्ट जो है पेमेंट करना पड़ता है। अब लेकिन नए रिटर्न सिस्टम में इन्होंने ये बताया है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्टिंग लेट करेंगे, सपोज आप जनवरी 20 के अंदर अगर ये न्यू रिटर्न सिस्टम भर रहे होते और जनवरी की रिटर्न जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अगर वो उस ड्यू डेट तक अपलोड नहीं करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप एक मंथली फाइलर हैं, आपको अपनी जीएसटी ANX1 के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड करनी थी और RET1 फाइल करनी थी सपोज 20 तारीख तक, और इनवॉइसेस जो अपलोड करने थे वो करने थे 10 तारीख तक ANX1 में जनवरी से रिलेटेड, लेकिन आपने जनवरी से रिलेटेड इनवॉइसेस 10 तारीख तक अपलोड नहीं करा, आपने करा 10 तारीख के बाद यानी कि 15 फरवरी को। तो आपने जो ये 5 दिन का लेट रिपोर्टिंग किया है इनवॉइसेस रिलेटेड टू जनवरी, उसके ऊपर 5 दिन का इंटरेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो अब यहां पे जो सबसे बड़ा चेंज किया गया कि आपको अपनी इनवॉइसेस भी पर्टिकुलरली करेक्ट तरीके से ड्यू डेट से पहले अपलोड कर देनी है, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है लग जाएगा। इसके ऊपर लेट फी कुछ नहीं लगेगी, लेट फी सिर्फ लगती है रिटर्न फाइलिंग के लेट होने पे।
अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड लेट हो रहे हैं तो उससे लाइबिलिटी की जो है वो डेफामेंट होती है, इस वजह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और ये वाला इंटरेस्ट भी सिस्टम खुद ब खुद कंप्यूट करेगा, वो चेक करेगा कि आप अपने इनवॉइस की डेट क्या डाल रहे हैं और इनवॉइस अपलोडिंग डेट क्या है। क्योंकि जब आप देखेंगे जीएसटी आरईटी 1 के अंदर तो अपलोडिंग डेट और जो इनवॉइस डेट है दोनों अलग अलग आपको दिखाया जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तीसरा है रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय द रिसिपिएंट। यहां पर आप देखेंगे रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय द रिसिपिएंट का ये अलग से कॉलम दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कोई इनवॉइस है जो कि रिसिपिएंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, सब्सिक्वेंटली वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिसीवर ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया था, जब वो रिजेक्ट करेगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्सिक्वेंटली रिड्यूस होगा, तो उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपको बताने वाला है। ये चीज बहुत ही जरूरी है अब जीएसटी के न्यू रिटर्न सिस्टम में कि आप अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इनवॉइसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ इनवॉइसेस और जो रिटर्न फाइलिंग है वो विद इन टाइम कर लें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिले ना करें, नहीं तो इंटरेस्ट आपका लग जाएगा और वो काफी बड़ा अमाउंट जो है वो निकल के आ सकता है। उसके बाद जो अगला इंटरेस्ट है वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये फोर्थ कॉलम में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले तीन इंटरेस्ट जो है वो सिस्टम कैलकुलेट करेगा और लास्ट के जो तीन इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हुआ, सपोज आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, या फिर आपने 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए ले लिया है, अब आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर 3B में हम लोगों से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम हो जाता है तो अगले महीने उसको ऑल अदर ITC में एडजस्ट कर देते हैं या फिर रिवर्सल दिखा करके अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं वहां पर। लेकिन जब नई रिटर्न सिस्टम आ जाएंगी तो अगर हमने इंटरेस्ट का एक्सेस क्लेम कर लिया है, अनड्यू क्लेम कर लिया है, तो उसे जब रिवर्सल करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करके टेबल के अंदर जो है वो डालना होगा। हालांकि ये वाला टेबल जो है एज पर फॉर्मेट ये दिया गया है टू बी कैलकुलेटेड बाय द टैक्स पेयर, ये आपको अभी भी मैनुअली कैलकुलेट करके ही देना है कि जो आपने ITC लिया फिर उसको रिवर्स कर दिया गलत होने की वजह से, तो उस पे जो इंटरेस्ट बनता है इसका कैलकुलेशन करके आप हेडवाइज जमा कर दें। अगला है इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लेट रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाइज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अभी तक इस चीज पे इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगा करता था या लोग नहीं ध्यान देते थे। ये क्या चीज है, ये वैसी चीज है जो कि काफी लोग को अवेयरनेस ही नहीं है। सपोज आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज लिया है जिसके ऊपर आप RCM की लाइबिलिटी पे करने के लिए लाइबल हैं। जनवरी 20 में आपने RCM की सर्विसेज ली, आपको उसका टैक्स जमा करना था, कब, जनवरी 2020 के अंदर। आपने उसका जमा नहीं करा लाइबिलिटी जनवरी में, आपने उसको डिक्लेयर करा फरवरी महीने में। तो जो इनवॉइसेस जनवरी में जानी थी जिसको आपने डिक्लेयर करा है फरवरी महीने में, तो एक महीने का इंटरेस्ट आपको रिवर्स चार्ज के ऊपर जो है वो भी देना पड़ेगा, और ये भी टू बी कैलकुलेटेड बाय द टैक्स पेयर, ये भी आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करके देना होगा, सिस्टम कैलकुलेट नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लेट रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाइज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज जो है वो भी सेपरेटली मांगा गया है। इसके बाद लास्ट कॉलम है अदर इंटरेस्ट लाइबिलिटी टू बी स्पेसिफाइड टू बी कैलकुलेटेड बाय द टैक्स पेयर। और इन पांचों के अलावा अगर और कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है किसी भी प्रकार की तो वो भी आपको डिक्लेयर करना है और वो स्पेसिफाई करना है नेचर ऑफ इंटरेस्ट किस वजह से जमा हो रहा है, और वो सारी चीजें करने के बाद आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे तो अदर इंटरेस्ट के लिए आपको कॉलम्स दिए गए हैं, आप अलग अलग तरीके से यहां पर जो है फील्ड्स ऐड कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो सिस्टम कैलकुलेटेड पेमेंट करने की आदत नहीं है, लेकिन नए रिटर्न में ये होने वाला है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं, उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है आप उसका यूज करके अपनी क्वेरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, हमारी टीम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेगी विद इन 48 आवर्स। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, कॉल पे रिप्लाई चाहिए, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी का इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा और कैसे उसका पेमेंट जो है वो आपको कर देना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।